अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आया हूँ खान फूड पे, और अभी मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो फूड बनता देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। उसमें क्या है, बारबेक्यू लग रहा है, बड़ा मज़ेदार अफगानी पुलाव वगैरह का हर तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा मीठे में आप क्या लेना चाहेंगे, आपको हर तरह, आपको यहाँ पर एक बेकरी, एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट और एक जो बिरयानी हाउस, सारा कुछ एक ही रेस्टोरेंट में मिलेगा। कर रहा हूँ वो कब आए मेरे दोस्त, दो दोस्त हैं बांग्लादेश से। असल में ये प्लान उनका था कि इसी रेस्टोरेंट में आना है, क्योंकि उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम सुना हुआ था, और ये वन ऑफ द फेमस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है इन कुआलालंपुर मलेशिया। तो चलें आते हैं वो, तो फिर ऑर्डर करते हैं और फिर देखेंगे वो, क्योंकि चॉइस उनकी होगी। इस वजह से अगर मेरा दिल करे तो मैं तो बारबेक्यू खाऊं। एक और चीज़ जो मैंने इस रेस्टोरेंट में देखी है वो ये कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी कस्टमर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मले लोग हैं और दूसरी रेस के भी काफ़ी लोग हैं। तो मतलब ये रेस्टोरेंट वाकई ही कुछ है। इसमें मैं मोस्टली इस तरफ आता नहीं ज़्यादा, लेकिन आज मैं यहाँ को मैं देख रहा हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि आगे जब मैंने एग्जाम पर देखा है तो 50% से ज़्यादा लोग जो थे ना वो पाकिस्तानी नहीं थे। Some chicken biryani, right? Yeah. Let's try the chicken biryani. I have to try together with the chicken. Good. You see the rice? Very nice. The rice perfectly cooked. मैंने ट्राई की है, अभी मैं चेक करता हूँ बिरयानी। पहले सिर्फ राइस चेक करता हूँ। इसका जो टेस्ट है बहुत सिमिलर है, जो जब आप वो अरबिक मंडी खाते हैं ना उस तरह से, क्योंकि स्पाइस वगैरह बहुत कम है, शायद इसी वजह से कस्टमर ज़्यादा है इस तरह से। तो ये अभी चिकन के साथ, तो जी मलाई बोटी इसके साथ ये रायता है, लेकिन येलो कलर का क्यों है ये नहीं पता। चिकन में बारबेक्यू, बारबेक्यू लेग पीस आ गया ना वो बारबेक्यू। ये रोटी है, ये बिरयानी है, ये बीफ कबाब है, इसके साथ भी सेम कलर का रायता है, इस तरफ रोटी है, और ये लस्सी का जग। तो जी फुल देसी खाना, लेकिन ये जो टेस्ट है ये या तो अफगानी पुलाव है या फिर ये अरबिक है, क्योंकि ये पाकिस्तानी बिरयानी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट है और इन लोगों के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाता। लेकिन चिकन देखें, ये बहुत अच्छी तरह पका हुआ है, और ये जो ये चिकन है ये बारबेक्यू है, ये वैसे नहीं पका हुआ बिरयानी के साथ, ये बारबेक्यू चिकन है लेकिन बिरयानी राइस। तो जी अभी ट्राई करते हैं ये बीफ कबाब, इसको मैं पहले ऐसे ट्राई करके देखता हूँ कि इसका क्या टेस्ट है, फिर बाद में रोटी के साथ खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, और इसमें ये स्पाइसी है जिस तरह हमारा बारबेक्यू होता है मसालेदार, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन कबाब देखें बहुत सॉफ्ट है, ये देखें सिर्फ एक चम्मच के साथ आप इसको ऐसे तोड़ के, अभी मैं इसको रायते के साथ ट्राई करता हूँ। मैं है रायते में ये इन्होंने हल्दी डाली हुई, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा येलिश है। दिस वन व्हाट? मलाई बोटी। मलाई बोटी चिकन, राइट? बारबेक्यू, बारबेक्यू चिकन, लाइक चिकन ब्रेस्ट, राइट? दिस वन लुक्स लाइक हॉलैंडर सॉस।
bits of like yogurt, bit of mint or something mixed. Yeah, nice. अभी मैं इस बारबेक्यू को ट्राई करता हूँ, हाथ से ट्राई करता हूँ। टेंडर है, कमाल, फुल गर्म है अभी नहीं। अभी इसको ऐसे में चेक करता हूँ। तो मैंने जो साल गया इस रेस्टोरेंट का, ये तो ये जब ये फूड बनाते हैं तो ये सिर्फ ये नहीं देखते कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी कस्टमर आते हैं, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि यहाँ पे दूसरे चाइनीज़ मलाई लोग भी आते हैं, तो उन्होंने स्पाइस को लेवल को उस तरह नहीं लेके गया। लेकिन ये नहीं कि स्पाइस नहीं है, हैं सही, लेकिन उस तरह से जैसे वो आपको गले में लगता है आगे चिली, वो वाला सीन नहीं है। और उसके साथ जो लस्सी का टच है वो तो बेस्ट है। और इससे पहले कि भाई रोटियाँ ठंडी हो जाएँ, मैं यहाँ से पहले इसको ख़त्म करते हैं और फिर एंड पे आपको मैं इसको कंप्लीट रिव्यू दूंगा इस रेस्टोरेंट का। सो चलें कैमरा ऑफ करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो ये चिकन देखें, ये कितना ज़बरदस्त तरह से पका हुआ है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही कमाल है। हाथ से ऐसे बस थोड़ा सा ये निकल गया। रायते में लगाओ और खा जाओ। सो व्हाट यू लाइक द मोस्ट सो फार? दिस चिकन। How about you? I like everything. That's the good one. That's the good one. Why? What is the sound? तो जी खाना शाना खा लिया है। जो बिल बना है वो तकरीबन 100 रिंगिट, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब बनता है। लेकिन उसके बाद हमने चाय पी, लस्सी भी ठीक, बारबेक्यू किया और बहुत मज़ा आया। वाकई ही जो वो बिरयानी थी, वो पाकिस्तानी बिरयानी, वो वही मैंने बोला था ना अरेबिक स्टाइल है, तो वो वही था। सो हाउ आर यू? गुड गुड गुड। टू फुल, टू फुल। नो स्पेस फॉर डिजर्ट। आई थॉट आई कैन गेट सम डिजर्ट बट टू फुल। द फूड वाज वेरी डिलीशियस। आई ऑलवेज लाइक पाकिस्तानी फूड। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई केम फॉर पाकिस्तानी फूड, राइट? या सो जी अगली वीडियो में इसके साथ एक रेस्टोरेंट है, हम उसको कवर करेंगे। वहाँ पर बड़े मज़े के चपली कबाब बनते हैं और किसी ना हम डिनर में भी आएंगे। चलें ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।